चलिए तो शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। मोटो जी 32 ये कुछ है फोन। मोटो जी 32 स्मूथ 90 हर्ट्स फुल HD प्लस डिस्प्ले स्टीरियो स्पीकर विद डॉल्बी एटम्स 5000 mAh बैटरी टर्बो पावर 30 चार्जिंग। इसको पहले हम हटाते हैं, रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिला है हमको। तो इसके अंदर कुछ ये पढ़ने के लिए है जो कोई पढ़ता नहीं है, और एक ये सिम इजेक्टर टूल मिला है जिससे हम सिम को बाहर अंदर कर सकते हैं। और ये है मेरा 33 वॉट का चार्जर जो कुछ ये 33 ढाई अक्षर प्रेम का पूरा नहीं लिखा हुआ है 33। और ये कि मुझे ये केबल मिल जाती है टाइप सी पोर्ट, टाइप सी टाइप केबल है ये कुछ ही है। तो इसको भी रखते हैं साइड में और अब आते हैं इस पर। ये कुछ फ़ोन है इस प्रकार से दिखता है मोटो जी 32 और अगर इसके हम डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 की डिस्प्ले है फुल HD प्लस डिस्प्ले है। फ्रंट के कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का है। साइड में इसका पहले हम कवर हटाते हैं। कवर हटाने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, ये कवर है। कवर भी ठीक है, काफ़ी मुलायम और स्मूथ है, सिलिकॉन कवर लग रहा है। ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है। अब आ जाइए फ़ोन की ओर। तो फ़ोन में ये प्लास्टिक की बॉडी है, मेटल नहीं लग रहा, लेकिन ये कैमरा काफ़ी मेटल का है। साइड में साइड माउंटेड फिंगर प्रिंट है ये। और कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। और इसके जो स्पीकर है वो डॉल्बी एटम्स के हैं, काफ़ी अच्छा साउंड प्रोवाइड करते हैं आपको पता ही होगा। और इसकी पोर्ट की बात करें तो कुछ ये देखिए, एक तो ये हो गया हेडफोन जैक हो गया, टाइप सी पोर्ट हो गया, माइक्रोफोन हो गया और ये स्पीकर हो गया डॉल्बी एटम्स के। ये वॉल्यूम है अप डाउन ऊपर का ये, और ये मेरा सिम इजेक्टर टूल हो गया जिसकी मदद से हम आप लोग दिखाएंगे सिम को निकाल करके। तो इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और ये हमने सिम इजेक्टर टूल निकाल दिया। ये देखिए हमने सिम इसमें डाल रखी है क्योंकि हम इसे यूज कर रहे थे। और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बनी हुई है SD कार्ड। इसको SD कार्ड हम 1 TB तक इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, 2 SIM नैनो SIM लगा सकते हैं। और इसकी जो क्वालिटी है, हार्डवेयर क्वालिटी है इसकी काफ़ी अच्छी है। और इसको 1 TB तक अगर हम एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको हम कर देखते हैं इंसर्ट और अब हम बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की।
फुल एच डी प्लस डिस्प्ले है। पीछे की बात कर लेते हैं, कैमरा कैमरा इसका 50 मेगापिक्सल का है और एक 8 मेगापिक्सल का है जो अल्ट्रा वाइड है, एक 2 मेगापिक्सल का है जो कि माइक्रो लेंस है, और ये एलईडी फ्लैश है। और मोटोरोला में एक ख़ास बात होती है सभी फ़ोनों में कि हम इसको इस प्रकार से टॉर्च को जगा सकते हैं ऐसे। ये देखिए जल्दी, काफ़ी अच्छा फीचर है। अंधेरे में बस मोबाइल को हिलाइए और आपकी लाइट जग जाएगी। और हैंड ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है, और 5000 mAh की बैटरी होने के बावजूद भी ये काफ़ी हल्का फ़ोन है। फ्रंट का 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। अगर इसकी कैमरे की बात करें तो ये देखिए, अगर हम कैमरा इसका खोलें कुछ इस प्रकार से क्वालिटी आती है। जूम करें ना, ये देखिए काफ़ी अच्छे से आती है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। और इस प्रकार से Moto G32, इसकी अगर कीमत की बात करें तो इसका जो 8GB वेरिएंट है, 8GB 128GB, तो इसकी कीमत लगभग आपको 12,000 पड़ेगी, लेकिन हमको ये 12,048 रुपये पड़ी है क्योंकि इसमें कुछ डिलीवरी चार्ज भी मुझे लगाया गया है। ये देखिए, अगर हम अबाउट फ़ोन में जाते हैं और मॉडल, ये देखिए मॉडल डिवाइस अपटाइन बुल नंबर कुछ इस प्रकार की डिटेल है, और स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है। सबसे अच्छी बात ही है इस फ़ोन में स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है। कवर भी काफ़ी अच्छा है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं।